हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो आज का सीन आप लोगों को पता लग ही गया होगा थंबनेल देख के, ठीक है। तो मेरे काम चेक करो, घर वालों ने सौदा लेके भेजा, सौदे के साथ ही जो है ना मैं ऊपर आ गया। मैंने कहा नीचे इंट्रो करूंगा तो उनको वाज वूज ना चल जाए, पता ना लग जाए, प्रैंक जो है चौपट ना हो जाए मेरा। हमको सिखा दिया है। अच्छा तो डूब जा करो पहले। ओके तो थंबनेल देख के पता चल गया। अच्छा सीन में बताता हूँ क्या, फाइटर ने ना एक रियल छिपकली मार दी, ठीक है। तो मैंने फटाफट ना आगे वो स्टेबलाइजर आके कर दिया, तो छिपकली उसके पीछे रह गई ना, तो वो मर गई हुई है। वो बिल्कुल लकड़ी पड़ी है, पता नहीं कि अभी भी जिसम उसका सही है कि नहीं। तो कल मरी थी, तो मेरे जहन में आया क्यों ना अलीना गिफ्ट करती है इसको गिफ्ट। वो अरे कहना क्या चाहते हो, उसके मतलब पैकिंग शेकिंग करके उसको रियल छिपकली गिफ्ट करते हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं जल्दी से चलते हैं गिफ्ट तैयार करते हैं। नीचे आ गया, गिफ्ट जो है ना तैयार करते हैं। सबसे बड़ा तो चैलेंज मेरे लिए खुद ये है कि छिपकली डब्बे के अंदर किस तरह डालनी। मुझे तो समझ नहीं आ रही छिपकली बताता हूँ कि भाई ये स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है, हम यूज नहीं करते। तो किधर गई वो छिपकली, गायब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बेटा छिपकली को देख के बड़ी खिंचतियां चढ़तियां सन्ने के अंदर से। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे के लिए खुद के लिए ये है कि इसको उठा के डब्बे में किस तरह डालना। ये तो सूख के लकड़ी बन गई है, इसको निकालते हैं इससे। रखते हैं नीचे। यार छिपकली क्यों नहीं मिल रही, कूड़ा आई जा रहा है, छिपकली नहीं आ रही। मेरे हाथ देखो फिर तो छिपकली कर ये तो उकड़ गई है। कोई नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। वैसे डब्बे शब्बे में डाल लिया और अब जल्दी से इसको जो है ना पैक करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। पूरा हैवी तरीके से पैक कर दिए, ठीक है। तो अब लीना को बुलाते हैं, फिर उसको देते हैं और प्रेजेंट इस तरह करेंगे कि हम, मैं जो हूँ ना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्लॉग शूट शूट में मैंने उसको गिफ्ट दिया है, तो फिर इसको जो है ना करते हैं, देते हैं, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन निकलते हैं, किस तरह डरती है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। अब जल्दी से यार मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा, पता नहीं क्या होगा। हैवी लाइफ रहेगा, छिपकली वो भी रियल। चलो करते हैं इसके ऊपर। हाँ भाई, तुझे मैंने बुलाया बड़े खास काम के लिए। वो कैमरा ऑन करिए भाई, ब्लॉग शूट हो रहा है, उन्हें भी बताओ ना किस खास काम के लिए। अच्छा। अब सीन ये है कि मामा देखो कर रही है किस तरह कपड़े वो स्टिच कर रही है, ठीक है। और तुम्हारे लिए मैं लाया था गिफ्ट, मैंने पूरी प्लानिंग की थी, पूरा मैं ब्लॉग पूरा शूट किया था, ठीक है। तो देखो चूड़ियों के मैंने तुम्हें पैसे दे दिए मैं। हाँ। अब मैंने कहा चलो लादा से भी मैं अपने गिफ्ट दे दूँ। हाँ। काफी ये भी डिमांड कर रहे थे कि एलिना को बिग सरप्राइज करो, तो मैंने कहा करते हैं फिर। गिफ्ट में क्या है, गिफ्ट में जो गिफ्ट होता है बंदे के लिए और क्या है, इतना महंगा नहीं है, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बात ठीक है, नॉर्मल गिफ्ट होता है भाई, छोटा क्यों ना, 1 रुपए का क्यों ना हो। तो मैंने यही रखा था,
किधर रात को खोल तो नहीं लिया तुमने? ये पड़ा हुआ। मेरी नजर से कैसे बच गई? इधर ही पड़ा था रात। हाँ जी खाली है। नहीं खाली है, अंगूठी है क्या? एक जो मर्जी है साथ ही अंगूठी आना। एक मम्मा देख लें। गिफ्ट होता है जो सा मर्जी हो। और इसका कहती अंगूठी आना ये। अंगूठी भी नहीं, छल्ला लगा। मम्मा देख लें बिस्त का आ रही है। बातें सुना रही है इसलिए मैं लाता ही नहीं हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा, बातें सुननी होती है। स्टेपरे की पिन नहीं लाया? नहीं, स्टेपरे के अंदर है ना। खुलना कहाँ से है? ये सामने ओ साइड पे टेप लगी हुई है। ये इस साइड पे टेप लगी हुई है ना, ये खोलोगी तो ये पूरा डब्बा खुल जाएगा। चाहल ये तो टट्टी है। आ किधर गई है? कैसा लगा मेरा मजाक? अकड़ी बड़ी है, इससे क्या डरना? तुम ठहरो जरा। मुझे केली को टाइम नहीं लगता। नहीं ऊपर नहीं फेंकनी। उसके हाथ में छिपकली है। पुत्र मुझे पकड़ाओगे मैं जब भी डालूंगा तेरे ऊपर भी गिरेगी। फिर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं तो डूबूंगा शर्म, जो मुझे पकड़ेगा मैं उसे भी ले डूबूंगा। बाकसर से जब भी डालूंगा फिर उसके छिपकली तेरे ऊपर भी गिरेगी मेरे साथ। जो जो मुझे पकड़ने आ रहा है ठीक है ज़हन में रखना। मैं ऐसी डाडी जफ्फी मार रही है। एक शर्त मेरी पकड़ूंगा। तू पकड़ ले, शाउट आउट दो। तू पकड़ ले, तू पकड़ ले मुझे फिर मैं किधर गिर गई। शुक्र है। देखो ये क्या है? तू बड़ा भागे हैं किस्म से। मजे का था यार प्रैंक।
अच्छा सोचा तो यार, मेरा दिमाग इसी चीज़ में चलता है। ये सारा जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट मिलता है मेरे फाइटर को, क्रेडिट मिलता है ठीक है, मेरे फाइटर को क्रेडिट मिलता है। वो गुस्सा मेरे लिए से इसलिए उसके पास चिपकली फेंक रहा हूँ। हाँ इसने मारी थी डिस्पेंसर के पीछे, मैंने वो इसने मार दी तो उधर पड़ी हुई थी, तो मैं आगे डिस्पेंसर कर दिया, तो सुबह तक अकड़ गई हुई थी। गंदा। हाँ जी आगे से उसको भाई गुस्सा है कि मेरी चिपकली का लेगा। क्या हुआ क्या भाई, अभी मारेगा अभी, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ। सॉरी बहन सॉरी, तुम्हें आज ट्रीट ला के दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। अच्छा मामा अरलीना, प्रैंक कैसा लगा? मुझे उठाते अभी भी चीची सी चाड़ी, इतनी गंदी है। जिसम में एक ऐसी कंपनी छिड़ती है जिससे वो मतलब मुझे चिपकलियों से डर नहीं लगता, पर उनको देख के ना एक अजीब से जिसम में वो चीची सी चढ़ती है। बेटा ये डर ही होता है, ये अलग किस्म का डर होता है, लेकिन होता डर ही है। अच्छा यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह मिलेंगे आपको न्यू प्रैंक न्यू ब्लॉग, और इसी तरह प्रैंक करते रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।